यहाँ क्या पंगा है? रोज की नौटंकी है, ये सारे यहाँ के लोकल ड्राइवर्स हैं। ये जबरदस्ती यहाँ आने वाले टूरिस्ट को ये अपनी गाड़ी हायर करने के लिए कहते हैं। गाड़ी भी चले। मैं देखती हूँ कैसे जाने नहीं देंगे। ओए, रास्ता क्यों बंद है? ये रोड तेरे चाचा की है क्या? अपुन के दादा का। हम अपनी गाड़ी में ही जाएंगे। तू जाके तो दिखा। क्या? चल। ए, हटा इसे। हाथ मत लगा। चल निकल। अरे तू होता कौन है बोलने वाला? क्या करेगा? जाना। मैं नहीं हटूंगी। हीरोइन चल निकलना भी। शर्म नहीं आती तुझे? लड़की को हाथ लगाता है? चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ इडियट। ये दिमाग मत हटा। छोकरी समझ के छोड़ दिया ला तेरे को। तुझसे मिलने के बाद रमिया ने मुझे फोन किया था। मैं जानता था तू आएगा, इसलिए मैं भी आ गया। फोन दे अपना। फोन बैलेंस कम है, किसको कर रहा है? तेरी होने वाली को है? नहीं भाई, बम फटेगा भाई, पहले ही मैं लाफा खा चुका हूँ। हेलो। अब तेरे दिल में उसके लिए जगह है तो एक बार उससे बात कर ले। हेलो सृष्टि। वो तो एक्चुअली उस दिन दिमाग खराब हो गया था, लेकिन मैं सच बोल रहा था, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तुमने मुझे मारा लाफा तो भड़क गए मेरे मम्मी पापा और शादी कैंसिल हो गई। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि इस बात का सबसे ज्यादा दुख तुम्हें हुआ है। हम दोनों की पहचान 2 महीने की है, पर तुम और जूस बचपन के दोस्त हो, इसके लिए सॉरी हो। आई एम सो सॉरी, मुझे लाफा नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारे पास जूस नाम का पपी है ना, मैं शरबत नाम का पपी लाऊंगा, उसके साथ सेल्फी निकालूंगा और तुम्हें सेंड करूंगा। अरे परसों तो हमारी शादी होती अगर ये लोचा नहीं होता। ठीक छे, मेरी किस्मत, टेक केयर। ए, हम लोग लगन कर ले। सु, लगन कर ले? अरे लेकिन ये फ्रेंड्स फैमिली ये कैसे करेंगे? एक बार मंगलसूत्र पहना दोगे ना तो समझो हो जाएगी शादी। फिर जिसे आना हुआ है मैं ना व्हाट्सएप पे सब विश भेज देंगे। चल छे। यस, अरे दौड़ छे। Yes! अरे भाई की बैंड बजने वाली है। थैंक यू। अरे मुझे मत बोल, इसे बोल। उसके यहाँ आने का रीजन तो तुम हो। बापड़े को जलेबी मिल गई। मीठी जलेबी। ले आज मंगलवार है ना, मंगलवार को मंगल सूत्र है पैर। पंडित जल्दी करो यार। हाँ जल्दी करो। हो गया इसका फाफड़े का। मैं बहुत खुश हूँ। फाफड़े अब उसका डॉगी संभाल। अच्छे से संभाल। शादी बहुत बढ़िया हुई। मैं बहुत खुश हूँ वासु,
मुझे लगा नहीं था हम फिर से मिलेंगे। अरे छगन भाई, लगन में तो बहुत खर्चा किया है। अच्छा वो अभी आ गया। शहर से शिफ्ट होते वक्त माया की कुछ चीजें मेरे पास थी तो सोचा लगे हाथ तुम्हें दे दूं। थैंक्स। अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। बाय। ये बिल्कुल सही वक्त है मैडम, लोहा गरम है, हथौड़ा मार ही दो, कहीं ऐसा ना हो वो हाथ से निकल जाए। प्रपोज कर ही दो। लड़कियां थोड़ी लड़कों को प्रपोज करती हैं। अच्छा, उस दिन तो लड़की ने ही रिंग पहनाई थी ना, याद आया? वो जमाना गया जब लड़के प्रपोज किया करते थे, अब वक्त बदल चुका है और लड़कियां मॉडर्न हो चुकी हैं। ज्यादा मत सोचो। उसने ना कहा तो? मैम मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इनकी शादी हो ना हो पर आपकी शादी जरूर होगी। जब फापड़े ने होने वाली बीवी से थप्पड़ खाया तो मुझे लगा था कि फापड़ा जिंदगी भर कुंवारा। हाँ समझ गया, ज्यादा बोला। मैं अभी आता। यार ये मेघना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अबे मुझे क्या पता, कल तो निकल रहा ना अपने को। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाय, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम्हारा मैसेज आ रहा। फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम, कृतिका, यही सब मेरी दुनिया है। इन सब के अलावा कभी नहीं लगा मेरे पास कुछ और है। फर्स्ट टाइम हम जब किसी को मिलते हैं और वो अच्छा लगता है तो दोबारा मिलने का मन करता है और हर पल उससे मिलने के बहाने ढूंढते हैं। जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा ही लगा। अरे अभी सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, वो जरूरी काम है, वासु तेरे को बुला रहा है, चलना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सॉरी, कल सुबह बात करेंगे। ओके ठीक है। हाय, 207 में कनेक्ट करेंगे प्लीज। थैंक्स। अभी मैं सत्या बात कर रहा हूँ। मुझे अभी से बात करनी है। अभी यहाँ नहीं है, वो चला गया। चला गया कब? यही लगभग 10 मिनट पहले। क्या हुआ मैम? वो चला गया कृतिका। लेकिन उसने तो कहा था वो सुबह आपसे बात करेगा। कहा गया है वो? देख सतीश, मुझे गुस्सा मत दिला। अरे मुझे नहीं पता, अर्जेंट कॉल आया था तो चला गया। झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। गुस्सा सिर्फ तेरे को नहीं आता है, मेरे को भी आता है। किस बात पर? किस बात पर? माया के लिए आपस में लड़ने के बाद तुमको 4 साल लग गए वापस दोस्त बनने में, अब फिर से किसी लड़की के लिए लड़ोगे तो क्या होगा? तू बोतल फेंक कर चला जाएगा और वो फ्लाइट पकड़ कर निकल जाएगा। तेरे को कैसा लगेगा नहीं पता, पर मेरे को नहीं जमेगा। इसलिए हमने अभी को बोल दिया कि तू उससे प्यार करता है। अबे किससे करता हूँ? वासु, हम जानते हैं कि तू मैगी को कितना चाहता है। कौन बोला कि मैं उसे चाहता हूँ बेवड़े? अरे तुम दोनों का कितना बनता है? बनती तो तेरे साथ भी है, तो तुझे घरवाली बना लूँ क्या? जैसे तू मेरा दोस्त है वैसे ही मेघना है। सच कहो मेघना, जब से हम आए हैं उसके बाद से लेकर आज तक तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देख लिया, तुम अभी से प्यार करती हो ना? Mm-hmm.
अरे क्या स्पीड है यार, मेरे पहुंचने से पहले ही तुम सब आ गए। वो क्या है ना, अर्जेंट काम आ गया था, जाना होगा। पता था तू जाने नहीं देगा, सोचा पहुंच के कॉल करूंगा। वो लड़का जो 6 साल की उम्र में साइकिल चलाते हुए सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गया, उसे अपना काम मुझसे ज्यादा प्यारा होगा। ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है, मुझे सब पता है। सच बोलेगा, एक बात पूछूं, माया किससे प्यार करती थी? मेरे जिगरी दोस्त को, तुझे। पर सच क्या है मैं बताता हूं। ये डायरी किसकी है? माया की? अभी? जिसके बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ उसी ने मुझे ये डायरी दी, इसलिए उसके बारे में लिख रही हूँ। ऐसा लगता है मेरी उम्मीदों को नए पंख मिल गए हो। अभी वो मेरी हर बात को सिंपल लेता था, इसलिए कभी कभी शक होता था कहीं वो मेरी बात को समझता भी है या नहीं। फिर मुझे पता चला मुझे समझाना उसके लिए बहुत आसान है। पहली बार ऐसा कोई मिला जिससे अपने दिल की बात कर सकती हूँ। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ ले गया। मुझे इतना कहना है कि मैं अभी को बहुत चाहती हूँ, लेकिन तभी पता चला अभी और वासु दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वासु भी मुझे चाहता है। जो बात मुझे अभी को बतानी थी वो तो मेरे दिल में ही रह गई। अगर मैं अपने सपनों को जी रही थी तो उसे मुमकिन किया सिर्फ अभी ने, इसलिए मैं उसे मिलकर अपने दिल की बात बताना चाहती थी, प्यार का इजहार करना चाहती थी। अभी माया, क्या हम मिल सकते हैं? श्योर।